हाय फ्रेंड, मैं बना रही हूँ आलू गोभी। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर देते हैं। ये आलू गोभी मैंने पहले ही काट के रखी हुई है और धो के रखी हुई है। ये देखिए, ये दूसरी तरफ हम कढ़ाई रख देते हैं, दूसरी कढ़ाई, जिससे ये जल्दी बन जाती है। हम तेल में बना रहे हैं, सरसों के तेल में। ये देखिए, इसमें हम कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल दे देते हैं। और ये दूसरी कढ़ाई मैंने इधर मसाले के लिए रखी हुई है, इसमें भी तेल डाल देते हैं, सरसों का तेल। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के रख लिया हुआ है। जीरा, लौंग और काली मिर्ची, ये दो तेज पत्ते। सबसे पहले हम ये डाल देते हैं। और इस कढ़ाई में भी हल्का सा जीरा डाल देते हैं। ये तेल हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये पेस्ट इसमें डाल देते हैं, टमाटर और प्याज का पेस्ट, थोड़ा गैस को धीमा करके। ये हल्दी, और ये अदरक और मिर्ची पहले से ही हमने काट के रखी हुई थी, ये भी इसमें डाल देते हैं। और इधर हमारा तेल तैयार हो चुका है, इसमें हम आलू और गोभी हल्का हल्का फ्राई कर देते हैं।
डाल देते हैं। ये देखिए हमारा मसाला तैयार होने वाला है। ठीक है, जब तक गोभी तक फ्राई होगी मसाला। मैं एक गिलास पानी कश्मीरी मिर्च एक चम्मच धनिया पाउडर ये देखिए गोभी हमारी हल्की हल्की फ्राई हो चुकी है। ये फ्राई की गोभी इसमें डाल देते हैं मसाले में जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था। ये देखिए ये सारी गोभी हमने इसमें डाल दी है। देखिए अब इसमें हम नमक डाल देते हैं। गैस का फ्लेम धीमा कर दें और 10 मिनट के लिए गोभी के ऊपर ढक्कन लगा के रख दें। ये हमने ढक्कन लगा के गोभी को 10 मिनट के लिए रख दिया। बीच बीच में इसको हिलाते भी रहना है सब्जी को।
अब गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर देते हैं। क्या करना ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है। गाइड आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।